हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुको। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं अंडा दम बिरयानी की रेसिपी। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से आज की इस रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहले हम चावलों को बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 लीटर पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है और इसमें हम डाल देंगे कुछ खड़े गर्म मसाले। 2 टेबलस्पून हम इसमें नमक डाल देंगे ताकि हमारा जो पानी है वो नमकीन बने। 1 टेबलस्पून हम इसमें नींबू का रस डाल देंगे और 2 टेबलस्पून हम इसमें डाल देंगे तेल और इसमें हम बॉईल आने देंगे। पानी में बॉईल आ चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे चावल। तो यहाँ पर मैंने लॉन्ग ग्रीन बासमती राइस लिया है। इसे मैंने वॉश कर लिया था और सोक कर लिया था 15 मिनट के लिए। अब पानी निकाल दिया है, अब हम इसमें डाल देंगे। 5 से 7 मिनट तक हमें इसे बॉईल कर लेना है। हमें इसे 90% कुक कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जो चावल है वो इस तरह से लंबे हो चुके हैं। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। ये 90% कुक्ड है। अब हम इसे ड्रेन कर लेंगे इसका पानी और इसे फैला कर रख देंगे एक प्लेट में। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं 5 उबले हुए अंडे और इस तरह से हमें इसे प्रिक कर लेना है नाइफ या फोक की मदद से। और अब हम इस पर डाल देंगे 1/4 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और नमक डाल देंगे 1/4 टेबल स्पून और इस तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। प्रिक करने की वजह से ये तेल में जाने के बाद फटेंगे नहीं। अब हम एक कढ़ाई को गर्म कर लेंगे और इसमें हम डाल देंगे तेल। ये प्याज फ्राई किया हुआ तेल का मैंने इस्तेमाल किया है और इसमें हम अंडे डाल देंगे और अंडों को हमें 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। अगर आपको फ्राई किए हुए अंडे पसंद नहीं है इसमें तो आप बिना फ्राई किए हुए अंडे भी ग्रेवी में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह से मैंने इसे फ्राई कर लिया है, इसे निकाल लेंगे। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं कुछ खड़े गरम मसाले। अब हम इसे तेल में डाल देंगे और इसे हम सौते कर लेंगे। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसे हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक टमाटर की प्योरी बना ली है, इसे भी हम इसमें डाल देंगे और इसे हम ऑयल सेपरेट होने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर ऑयल सेपरेट होने लगा है तो अब हम इसमें डाल देंगे 3 मीडियम साइज़ की फ्राई की हुई प्याज और इसे बस हमें इस तरह से इसे मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें डाल देंगे नमक। तो यहाँ पर मैंने 1/2 टेबलस्पून नमक का इस्तेमाल किया है, 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबलस्पून धनिया पाउडर और बिरयानी मसाला डाल देंगे हम इसमें 1/2 टेबलस्पून। और इन सभी मसालों को हमें इस तरह से इसमें मिक्स कर लेना है। पुदीने की पत्तियाँ डाल देंगे और इसे भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने 3 से 4 टेबलस्पून दही का इस्तेमाल किया है। दही डालते वक्त हम गैस की फ्लेम को लो कर लेंगे और दही को हम तेज़ी से फेंट लेंगे, इसके साथ मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे ताकि ये फटे ना। अब हम इसमें डाल देंगे हमारे फ्राई किए हुए अंडे और इन मसालों के साथ हम अंडों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसमें हम डाल देंगे 1/2 कप पानी ताकि ये अच्छी सी ग्रेवी फॉर्म में बन जाए। और इसे हम ढक कर 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। तो यहाँ पर हमारा बिरयानी के लिए जो मसाला चाहिए वो बनके तैयार है। अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया और इसे मिक्स कर लेंगे। अब गैस की फ्लेम को हमें लो कर लेना है और इस तरह हम अंडों को रख लेंगे और इस पर हम डाल देंगे हमारे उबले हुए चावल और चावलों को हम इस तरह से फैला लेंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उस पर क्लिक ज़रूर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही मज़ेदार और ईजी रेसिपीज़ के लिए। अब हम इसमें डाल देंगे फूड कलर, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें। 1 टेबलस्पून हम इसमें देसी घी डाल देंगे, फ्राइड किया हुआ अनियन डाल देंगे, हरा धनिया और पुदीना डाल देंगे और यहाँ पर 2 बड़े चम्मच मैंने चावलों का उबला हुआ पानी डाल दिया है इस तरह से। अब हम इसका लीड बंद कर देंगे और इसे हमें ढककर 10 मिनट के लिए पका लेना है लो फ्लेम पर। और यहाँ पर जो ये होल है इस पर मैंने इस तरह से आटा लगा लिया है और 10 मिनट बिरयानी को पकाने के बाद हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और फिर 10 से 15 मिनट के बाद हम इसे इस तरह से खोल लेंगे। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो बिरयानी है बहुत ही अच्छे से बनके तैयार हुई है। एक एक दाना खिला हुआ है और बिल्कुल लगी नहीं है और बहुत ही टेस्टी ये बिरयानी बनके तैयार होती है। तो आप इस बिरयानी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बनके तैयार हो चुकी है। और आपने देखा इसको बनाने का तरीका भी बहुत ही आसान है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें।
और इस रेसिपी को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। इन सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर चिकन रेसिपीज देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जो आपको वीडियो दिख रहा है उस पर क्लिक ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।